हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय चैनल वेद अनुलेखा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है आधा कटोरी चावल, जिसे मैंने आधा घंटा पानी पे भिगो दिया था ताकि ये अच्छे से जल्दी और पक जाए। तो ये देखिए फूल चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर पैन लिया है, अब मैं गैस ऑन कर दूँगी। इस पैन को मैं हल्का सा पहले गर्म करूँगी, ये देखिए। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी गाय का घी। तो यहाँ पर मैंने गाय का एक चम्मच घी लिया है, ये मेरा फर्स्ट जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है। अब इसमें मैंने चावल ऐड कर दिया है। अब ये जो भिगे हुए चावल थे, अब मैं उसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो गाय का घी बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये ज़रूर आप ऐड करिएगा। और कल हमारी शरद पूर्णिमा है, माँ लक्ष्मी जी को खीर बहुत पसंद है। तो ये जो मेन चार इंग्रेडिएंट्स मैं बता रही हूँ, जिसे डाल के आप खीर बना सकते हैं, और इसे भोग लगा के चंद्रदेव को रात भर आप चंद्रदेव के पास रख सकते हैं, जिससे हमारी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। अब मैं इसमें आधा ग्लास वाटर डाल दूँगी, पानी ऐड कर दिया मैंने, और अब मैं इसे ढककर 5 मिनट पकाऊँगी। तो 5 मिनट के बाद ये देखिए पानी पूरा सूख गया है और चावल भी हमारे 98% पक चुके हैं। ये देखिए मैं आपको इसे बताती हूँ उंगली से मैश करके। ये देखिए 98% हमारे पक चुके हैं, और बाकी हम जो 2% बचा है उसे हम दूध में और अन्य चीज़ों के साथ पकाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक ग्लास दूध लिया है, ये मैंने गाय का दूध लिया है। अगर आपके पास गाय का दूध नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑलरेडी हमने गाय का घी लिया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी कुटी हुई हरी इलायची। तो हरी इलायची आप पाउडर भी ले सकते हैं, यहाँ मैंने मांदस्ताने में कूट के इसे डाला है, और अच्छे से आप मिक्स कर दीजिएगा। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी हमारे शक्कर। मैंने 2 चम्मच भर शक्कर लिया है यहाँ पर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ लूँगी मैं आधा चम्मच हनी। ये मैंने शहद ले लिया है, जो मेरा दूसरा मेन इंग्रेडिएंट्स है इस खीर में। और क्रस्ट किए हुए मैंने ले लिए हैं ड्राई फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग जो अवेलेबल है आपके घर में वो आप डाल सकते हैं। अब मैं इसे अच्छे से मैश कर दूंगी, ये देखिए, ताकि दूध और अन्य चीज़ें अच्छे से एक दूसरे पे मिल जाएं। ये देखिए दोस्तों, ये खीर बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से बनाइएगा, स्वादिष्ट खीर लगेगी ये बहुत। और इसे रात भर आप माँ को भोग लगा के चंद्रदेव के पास छोड़ दीजिएगा। ये शरद पूर्णिमा की बहुत स्पेशल खीर है, और इसमें ये चार चीज, और इसके बाद है गंगा जल। गंगा जल आप 1 टीस्पून लीजिएगा, 1 चम्मच, और गंगा जल आप डालिएगा। तो अब गंगा जल डालने के बाद भी अच्छे से हम इसे मैश कर देंगे। ये देखिए अच्छे से आपको मैश करना है इसे। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी केसर वाला दूध। इस दूध में मैंने केसर डाल के रखा था, जो ये मेरा चौथा मेन इंग्रेडिएंट्स है। केसर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है भगवान की खीर में। केसर, शहद, गंगा जल और हमारा गाय का घी, ये बहुत अच्छा माना जाता है हमारे किसी भी पूजा पाठ में जो हम खीर वगैरह चढ़ाते हैं उसके लिए। इससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होंगी। तो ये देखिए अब पूरे अच्छे से बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं, और हमारी खीर अब लगभग पूरे अच्छे से पक चुकी है। दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने अदर वीडियोस दिए हैं, प्लेलिस्ट दी है, तो आप वहां जाके ज़रूर देखिएगा। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और इसे बनाइएगा ज़रूर।